इसके बारे पता चला कि एक लड़का है जो क्लास 10th का पढ़ाई करके छोड़ दिया। कारण था कि इनका पैर दोनों काम का नहीं है, वो सेंसलेस हो गया है और इसके इलाज बहुत ही ज़रूरत है। तो इसके लिए हम लोग अभी एम्बुलेंस बुला रहे हैं। फिलहाल हम लोग केनडाडी हॉस्पिटल ले जा रहे हैं, उसके बाद आगे की प्रोसेस करके इसको बेहतर इलाज के लिए हम लोग रांची भी रेफर कर सकते हैं। और जो इनकी सुविधा है, विशेषकर देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री आवास भी इसको मिला हुआ नहीं है, तो इस पर भी हम लोग आगे की कार्रवाई करेंगे। और जितने भी हमारे सरकारी प्रावधान के अनुसार इनको सुविधा मुहैया अगर कराया जा सकता है, वो मेरे तरह से पूरी तरह इसके प्रयास किया जाएगा। राशन कार्ड इसका डिलीट कर दिया गया था, डीलर के माध्यम से पता चला कि 3-4 महीने से इनको राशन नहीं मिला था, इसलिए भूलवश या अज्ञानतावश इसका डिलीट कर दिया, लेकिन हम लोग इसका प्रोसेस फिर से रीएक्टिवेट करने के लिए कर दिए। इनकी परिस्थिति को देखने के बाद में जो बन पड़ा, मैंने इनको सहयोग करने का मैंने सहयोग किया और इनको भरोसा दिया था कि इनका बेहतर से बेहतर इलाज हम लोग करा सके, और उसी क्रम को देखते हुए आज हम मैडम हमारे साथ में है। उसके लिए हम तहे दिल से मैडम को भी धन्यवाद देते हैं कि इतनी शीघ्र गति से इस नौजवान लड़का का इलाज के लिए आज खुद मैडम यहाँ पहुँची है और यहाँ की परिस्थिति को भी देख रहा है, और इस लड़का की जो इलाज की बात है उसके लिए अभी एम्बुलेंस भी बुलाया जा रहा है। इनको अभी हम लोग एम्बुलेंस भी में बैठा के इसको हॉस्पिटल भी ले जाएंगे और केंदाडी से हम लोग बेहतर इलाज करने का प्रयास करेंगे। वहाँ से अगर नहीं होता है तो हम लोग का रिम्स की अगर ज़रूरत पड़ेगा तो रिम्स में भी ले जाकर इनको अच्छे से अच्छे हम कामना करते हैं कि ये यथाशीघ्र अच्छा हो जाए और पुनः आगे की तरह अपना स्कूल लाइफ या आम जीवन जी सके, यही कामना करते हैं। जिला परिषद और बीडीओ मैडम को बहुत बहुत धन्यवाद, इतना दिन से बहुत तकलीफ में था, आज अगर ये लोग इलाज कराएगा ना, ठीक करके आएगा, तो बहुत इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं।